What's up guys, welcome back to Chal and भाई आज है 13th of October, तो आज घर में अष्टमी की पूजा है, तो उसकी पूरी तैयारियां चल रही हैं। ऐसे पैकेट्स बन रहे हैं जो कर्नल साहब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और भाई डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मम्मी खाली पूरी खाएगा। हाँ, कर्नल साहब बस खाने पे जाने हैं। वैसे भी मम्मी हमसे गुस्सा हो रखी, बिकॉज मेरे चक्कर में क्या नहीं हो गुस्सा, मैं बता दूँ क्यों गुस्सा हो। हाँ, तो जनरली मेरा ब्रेकफास्ट होता है 12:30-12 बजे घर वालों का। हाँ, मम्मी दुखी है कि मुझे खाना नहीं मिल रहा, अपनी माँ की फिक्र नहीं कर रही। एंड ये लोग नाश्ता कर लेते हैं सुबह के 7-8-9 बजे, पता नहीं 6 बजे भी उठ के पहले सबसे पहले खाना ही खा लिया करो। एक काम करेंगे, कल से अपना खा के सो जाया करेंगे। उसको डिनर कहते हैं कर्ण साहब। नहीं, उसको कहते हैं तुम्हारा। चौरासी घंटिया वाली माता तेरी सदा जय। तेरे चेहरे की खुशी है ना, ये आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे। जैसी कोई नई गाड़ी या बाइक है, हमें कहीं ट्रिप पे जाना है, एंड ये खुशी उसी बात की है। अभी अप्रोक्सीमेटली 3 बजे है, मैंने अपनी वीडियो लैपटॉप पे एक्सपोर्ट करने के लिए लगा दी है, एंड मेरे पास आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि हम एक रोड ट्रिप पे निकल रहे हैं कल। मतलब क्या हुआ, 4 दिन में रोड ट्रिप प्लान कर लिया। कौन कौन जा रहा है ये कुछ पता नहीं है, बट देन लोग जाएंगे। अभी सबको मना रहे हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ चलो चलो, बिकॉज बाइक के 1000 किलोमीटर पूरे करने। एक काम करते, सारी डिटेल आपको आराम से गाड़ी में बैठ के समझाएंगे, सॉरी बाइक पे बैठ के सब जाएंगे। तो मदर इंडिया बोल रही कैमरा उधर ले जा। तो भाई हम एक तो आज गरबा नाइट है, तभी प्लान कुछ ऐसा है कि हम जल्दी से दिल्ली जाएंगे, काम खत्म कराएंगे एंड देन वापस आएंगे। मम्मी तब तक के लिए देखो, इट्स मर्सिडीज टाइम तो सबको पसंद है, अब बीएमडब्ल्यू टाइम तो पब्लिक की डिमांड है। मम्मी बोले पब्लिक पब्लिक के चक्कर में ना तूने मेरे को बेवकूफ बनाया है, ठीक है। अच्छा बोल दो, एक बार बोलो, इट्स मर्सिडीज टाइम या प्लीज यार, केएसआरबी वांट्स टू हियर। नहीं मेरे ना, मैं तेरे को बता नहीं सकती। 1 2 3 It's BA. लो खराब कर दिया फिर से। 1 2 3 क्या है, कौन सी गाड़ी है? BMW. It's BMW time. ये एडिट नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही डाल दूंगा। सरप्राइज निकलते हैं, अब तो हमें भी चलती हो रही है। कल साहब सो रहे हैं और वैसे भी निकल जाता, अगर मैं निकल गया ना रोक लेंगे कि मेरे बिना क्यों जा रहा है। तो भाई इसी चीज का हम इंतजार कर रहे थे, मैं आप लोगों को ना दिखा देता हूँ। तो अभी ना काफी सारा सामान है जो बाइक का आया हुआ है, तो इसमें जो मेरे पास फिलहाल पड़ा हुआ है वो है BMW की रेडिएटर ग्रिल। अभी के लिए इसको बैग में फिट करना है, बिकॉज अगर बाइक पे जाना है तो अब थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। गाड़ी में तो ये होता था फेंक दो, जहां सामान दिख रहा है वहां फेंक दो। अभी इसको मैं ऐसे, यार पता है मुझे इसकी टेंशन नहीं, लॉक्स ना टूट जाए, बिकॉज लॉक्स पे ही सारा टिकेगा। तो मुझे कुछ वाउचर्स मिले थे, तो मुझे सबसे ये वैल्यू फॉर मनी लगा, बिकॉज अप्रॉक्सिमेटली 6000 के आसपास का पड़ा है ये। पिछली बाइक चलाने के बाद मैं देख चुका हूं इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। पहले मैं सोचा था DSLR कैरी करूं, बट अगर इसको मैं इसमें रखूंगा तो रेडिएटर ग्रिल के थोड़े बहुत टूटने के चांसेस है, वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि जाते रहते नुकसान हो जाए। कर्नल साहब भाई कहां जा रहे हैं? राइड पे। तो हम निकल रहे हैं राइड पे, सारी तैयारी हो चुकी है। पुराने दिन याद आ रहे, बाइक की चाबी तो भी ये जो बाइक है ना, मुझे थोड़ा उधर लगा के रखनी पड़ती है, बिकॉज हमारी पार्किंग के एकदम साथ लिफ्ट आती है। एंड गाड़ी भी मेरे साथ हो चुका है कि लोग ना यहाँ से निकलते तो उसके चक्कर में क्या होता है कि लोग ना हाथ मार देते हैं, जिसके कारण पड़ते तो बहुत ही ज्यादा लाइट स्क्रैचेस है। बट भाई रिस्क क्यों लेना, वैसे भी गाड़ी में तो बैलेंस रहता है, इसमें हल्का सा किसी का भार लग गया तो बाइक ऐसे जा सकती है। वैसे इसका भी मैंने सोल्यूशन ढूंढ लिया, इसके लिए मैंने एक घर मंगाया है, वो भी आपको आने वाली वीडियोस में पता चलेगा। डू लेट मी नो अगर आप इसके घर की अनबॉक्सिंग देखना चाहोगे। तो बहुत बातें हो गई, अब बाइक स्टार्ट करने का टाइम आ गया। भाई इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है बहुत ही ज्यादा प्यारा और इतना क्रिस्प है ना, प्रॉपर सनलाइट में भी कोई इशू नहीं हो रहा था। जय माता दी। ओहो हो। तो गाइस 89 किलोमीटर चल गई है पूरी बाइक। तो भाई अभी मैं घर से निकला ही हूँ, मुझे ना बड़ी अजीब सी आवाज़ आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है, कुछ तो लग रहा है, क्या लग रहा है समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मिट्टी भी बहुत हो रखी है, बाइक भी धुलवानी है। मुझे लग रहा था ये लूज है, बट ये भी लूज नहीं है। तो भाई फाइनली हम अपने फेवरेट पैच पे आ गए, तो मुझे लगा अपना बाइक का पहला मोटर, मतलब अपना पहला मोटर ब्लॉग हमें यहाँ से शुरू करना चाहिए। 2-3 रीज़न है, एक तो एरिया बहुत सुंदर है, मतलब थोड़ा आगे से सुंदर शुरू होगा, बिकॉज अभी तो दीवार बहुत बड़ी कर दी है। एंड साथ के साथ पहला सवाल, मुझे पता है Q&A मुझे करना बनता है, बट पहला सवाल ये था कि आपने 1250 GS से क्यों नहीं ली, और आप सारे भाइयों ने सही कमेंट करा कि भाई पर्सनैलिटी की बात है, एंड सबको पता है मेरा टेस्ट कैसा है, तो मैंने 1000 RR लेनी थी। रही बात 1250 GS की, 1250 GS का ऐसा था कि मेन पर्पज उस बाइक का ये था कि हमें लद्दाख स्पीति करना था, बट हमने उसके लिए गाड़ी बुक करा दी, बिकॉज मुझे पता था महिंद्रा की ऑल व्हील ड्राइव आएगी, तो उसी हिसाब से मैंने कुछ प्लानिंग करी हुई थी। एंड रही बात 1250 GS की, अगर पब्लिक की डिमांड रही, भाई देखो सिंपल सी बात है कि अगर हमें भी बाइक राइडिंग पसंद है, आप लोगों को भी मोटर ब्लॉग्स पसंद आए, तो जब लद्दाख का सीजन शुरू होगा मई जून में, तब तक भाई 1250 GS ले लेगा। तो आज हमने कमिटमेंट कर दी, वैसे तो मैंने सोचा हुआ था, बट मैं सोचा नहीं था कि अभी ब्लॉग में बता दूंगा, बट अपनी KSRB को हमने बता दिया कि अगर लद्दाख स्पीति करना हुआ और आप लोगों की हाई डिमांड हुई, तो 1001% 1250 GS से ही करेंगे। एंड ओवरऑल मैंने एक चीज तो नोटिस कर लिया कि बाइक में ना बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ रही है। तो जिन लोगों ने डिलीवरी वाला ब्लॉग देखा होगा, उनको पता होगा कि तब आवाज़ थोड़ी डिफरेंट थी, अभी आवाज़ थोड़ी हैवी हो गई है, एनी टाइम के साथ और बढ़ती रहेगी। डिटेल में समझाएंगे बाइक के बारे में,
with you, boy. You won't give me too much chances. I don't care if I am fencing brighter. Yeah. तो भाई हम पहुंच चुके हैं रेड लाइन रेसिंग। तो मैं आपको हर बार बोलता हूँ ना, इस सिमरन की वजह से मैंने बाइक ली है। क्यों ली है, मैं आपको बाइक दिखाता हूँ। तो ये पूरी ट्रैक फेयरिंग डली हुई है, सारा तामझाम अगर हम करेंगे बाइक वाला तो मेरी ऐसी आवाज आ सकती है। गाइस कैसी आवाज आ सकती है, हेडफोन्स लगा लो फिर सुनना, अगर कान खराब हो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाबी नहीं है। क्या बात कर, अच्छा वैसे मुझे लगा मुझे बोल रहे चाबी नहीं हुई है। हाँ ओए, अच्छा ये भैया ट्रैक सिस्टम है, यहाँ पर चाबी। माय गॉड, बस वो सेम है। तो मैं भी एकरा का फुल सिस्टम सोच रहा हूँ, अगर लगवाता हूँ तो सेम। बाइक को बचाने का काम हमने सिमरन के हाथ में दे दिया, तो सिमरन ने ना दो तीन चीजें तो बहुत ही ज्यादा रेकमेंड करी है, बिकॉज कल अगर मुझे आउटस्टेशन निकलना है तो भाई ये काम करवाना जरूरी है। पहले हम लगा रहे हैं ये क्रैश प्रोटेक्टर जो BMW के आते हैं, तो ये साइड पे लगेंगे, तो अगर बाइक कभी ऐसे फ्लैट सरफेस पे टिल्ट करेगी तो ये सारा बाइक का भार लेगा। हमारे सिमरन किंग ने मुझे एक बात बताया जिसको सुनकर ना मेरे फेस पे स्माइल आ गई, तो मैं इसको बोल रहा हूँ बाइक का एक्सपीरियंस ऐसा है कि वो कहते हैं ना फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई स्टिंग लाइक ए बी, ऐसे ऐसे बाइक चलती है मक्खन की तरह, और जब पावर चाहिए होती है ना पावर मिलती है। भाई साहब मुझे बता रहे हैं, कहता भैया इसकी जो फर्स्ट सर्विस हो जाएगी ना आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी बाइक है। मेरा मतलब अभी तो 50% पावर है, अभी तो अनलॉक करेंगे ना, क्योंकि अभी 9000 RPM पे और RPM लॉक हो जाते हैं। मैंने अभी 6000 से ऊपर जा नहीं रहा, ये मुझे कह रहा है ले जा सकते हो BMW ऑटोमेटिकली कंपनी से ही 9000 RPM पे लॉक है भाई। अलग ही अभी तो इसमें नेविगेशन भी है ना, इसमें नेविगेशन आप जो भी आएगा ना कॉल आपको। तो मैं आप लोगों को पूरा सिस्टम समझाता हूँ जिसके कारण हमने ये लगाया है। तो अभी वैसे बाइक हम सोच रहे थे प्रैक्टिकल करके दिखाए कि हम पूरा बेंड कर दे, बट सिमरन कहता अगर गलती से भैया पैर फिसल गया तो उसके बाद ऊपर आनी मुश्किल हो जाएगी। एंड वैसे भी इसका काम ये है कि अगर कोई क्रैश होता है तब इसको बचाए, अभी अगर हम ट्राई करेंगे तो इसके बेंड होने के चांसेस है। तो मैं नहीं चाहता नई नई चीज़ ही हम खराब करके वापस लेके जाएं। तो ये जैसी बाइक इधर जाएगी ये बाइक का इंपैक्ट पूरा ले लेगा, एंड साथ साथ ये भी ऐसे पूरा इंपैक्ट ले लेगा। तो भाई बाइक के लिए हमने नया हेलमेट भी लेना है, तो ये भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ से तो मुझे कुछ देखेगा नहीं, बट आप लोग देख लो और बताओ कमेंट में ये अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। पूरा मैट ब्लैक में ऐसा कुछ ही लग रहा है, तो ऐसी कुछ इसकी फिनिशिंग है बाइक के साथ देख लो ऐसा लग। अभी इसमें ब्लैक वाइजर नहीं है क्योंकि मुझे पता है सारे कमेंट करने वाले भैया ब्लैक वाइजर से ज्यादा अच्छे लगेगा, बट ब्लैक वाइजर दिसंबर तक आएगा। तो भाई हम जैकेट भी ट्राई कर रहे हैं, तो ये ऐसी कुछ जैकेट है, प्लीज कमेंट कर बताओ। इसमें एक और कलर भी है ये वाला रेड वाला टाइची, ये कहाँ का ब्रांड है? ये जापानीज ब्रांड है। ओके, जर्मन बाइक के साथ जापानीज। तो भाई सारा काम वगैरह अपना हो गया, थैंक यू सर, आई विल सी यू सून। अभी और भी काम है। तो ऐसी कुछ डिस्प्ले की मैं बात कर रहा था कि रात को इतनी ज्यादा शार्प है ना, एंड अभी ये मैं GoPro 5 से शूट कर रहा हूँ, नया GoPro हमारा आ चुका है, तो कुछ दिनों में आपको सेटअप भी पूरा चेंज दिखेगा एंड GoPro की भी अनबॉक्सिंग करेंगे वेरी सून। ओहो भाई साहब गड्ढे, तो गड्ढों के ऊपर से तो मक्खन की तरह निकलती है भाई, एंड अगर गड्ढे अवॉइड भी करने ना तो बहुत इजीली मैनूवर हो जाती है पूरी की पूरी हमारी BMW S1000 RR। गाइस नाम बताओ यार प्लीज कमेंट करके, नाम के बिना मजा नहीं आ रहा, कुछ तो बुलाएं हम इसको। बीस्ट वेनम धन्नो, मतलब वेनम वैसे सही रहेगा, वेनम का हेलमेट और वेनम नाम। करण साहब का फोन आ गया, कहता है तुम कितनी देर से निकले हुए हो, घर आ जाओ, घर पे ना हमारे फंक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे गरबा नाइट हो रही है, गरबा भाई यार डांडिया खेलेगा ऐसे डंडों के साथ। बस जिस चीज का डर था भाई हुआ, ट्रैफिक मिल गया। भैया ये सर्दियों में तो हीटर का काम करेगी हमारी बाइक, जो अच्छी बात है, बिकॉज इतनी हीट फेंकती है, उसी का इंतजार कर रहे हैं हम। तो जो हमारे लोग हैं ना जिनको नहीं पता कि पेडॉक स्टैंड और ये सब चीज़ें क्या होती है, तो बाइक को ना स्टेबल रखने के लिए, इस पर इतना स्टेबल नहीं क्योंकि हल्का सा पुश लगा तो नीचे गिर सकती है, तो यहाँ पे दो हमने स्पूल्स लगवाए हैं और उस पर लगेगा ये, ठीक है। तो आपने जो डांस देखा था मम्मी के बाल सेट कर रहा है, ये अपने बाल सेट कर, कैमरा देख के अच्छा लग रहा है। मम्मी डांस कर गया, मैं पापा को बोल रहा आप भी जाकर डांस करो ना। हाँ जा रहा हूँ, मैं तेरी वेट कर रहा था भाई, बहुत ज़्यादा लाउड चल रहा है, एंड मैं पूरे राइडिंग बूट पहन के आ गया हूँ, मुझे लोग बोलते डांस करने, अगर मैं डांस करा ना पैर मुड़ के फिर ऐसे टूट जाएगा, और कल की जो ट्रिप है वो रह जाएगी। कल जा रहे हैं फिर हम रोड ट्रिप पे।
मैं तो नहीं जा रहा, अगर जा रहे हैं तो और पापा जा रहे हैं। भाई अभी प्लान बन रहा है, अभी डांस वगैरह हो रहा है, फिर ऊपर जाकर डिस्कशन होगा। तो भाई अष्टमी वाले दिन नीचे तो पूरा पार्टी माहौल हो रखा था, बट वहाँ पे ये था कि भीड़ हो रही थी तो, एंड वहाँ पे ना लोगों को छोले कुलचे देख के ना हमारे मन करता है कि हम बाहर से खाए। एंड वैसे भी हम जल्दी ऊपर आ गए थे, मम्मी का हेडेक हो रहा था। कर्नल साहब और मैं पार्टी करेंगे, तो वेज पार्टी है सिर्फ आज। हमने मंगाई दाल मखनी और पनीर। और एक थोड़ा सा न्यूज शेयर करना चाहेंगे, ये लोग मुझे कल बाइक से जाने नहीं दे रहे। क्यों नहीं जाने दे रहे मुझे बताने? पंजाब जाना है, मैं इनको बोल रहा हूँ कि 350 किलोमीटर जाना है, 350 किलोमीटर आना है, आज दिल्ली गुड़गांव करके देख लिया कि मेरे से हो जाएगा। अभी कैमरे के सामने आप नहीं बोल रहे हो, लेकिन जब आप आए थे तो आप कह रहे थे कुछ थोड़ा तो थोड़ा सा दर्द हो रहा था, बट इसका मतलब नहीं मैं कर नहीं सकता। एक्चुअली दर्द क्या है, वो दर्द इसलिए है कि जब तक मैं नहीं चलाऊंगा भाई तुम्हारा दर्द जो है तब तक नजर डैडी की ना नजर पड़ी हुई है। और तुम्हारे को बड़ा सिंपल है, तो मैं सोसाइटी में चक्कर आज तुम दिल्ली घुमाए ना, अभी छोटे भाई ऐसे कुछ होने वाला है। नेक्स्ट संडे मोस्ट प्रोबेबली मैं डैड हम दोनों राइड करने वाले, क्योंकि मैं अभी कावासाकी से बात कर रहा हूं, कावासाकी एक बाइक और कर्नल साहब एक बाइक जाकर बढ़िया सा। अगले संडे तो हो जाएगा, बट अभी पंजाब ट्रिप का थोड़ा मक्खन लगाना पड़ेगा, खाना पीना कर लेते फिर आपसे आगे का पूरा प्लान डिस्कस कर।